सिलाई के लिए हम नॉर्मल साइज की या फिर मोटे साइज की ऊन इस्तेमाल करेंगे, पतली ऊन का यूज नहीं करेंगे। और ये हमने 11 नंबर की क्रोशिया ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नोट लगाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर चैन बनाएंगे। पर धागा लेंगे, इसमें से निकालेंगे, इस तरह से हम ये चैन बनाएंगे। हमने टोटल 13 चैन बनाई हैं। आप जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं अपना, उस हिसाब से चैन्स को आप 13, 15, 17 इस तरह से चैन की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमारी, इतना तो हमारी ये बुनाई आएगी, जितना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़ी हम ये चैन बना लेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारी लास्ट चैन है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। इसके बाद 6 चैन और बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चैन बनाने के बाद हुक पर धागा लेंगे, और जो हमने लास्ट चैन हमारी जो पकड़ी हुई थी प्रोजेक्ट के हिसाब से, इसमें हम एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम हुक पर धागा लेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया हमने जिस चैन में बनाई है, इससे पिछली चैन पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ हुक डालेंगे इस तरह से, धागा लेंगे, और धागे हमें इतना लंबा खींचना है जितनी ये हमारी डबल क्रोशिया है, इस तरह से। यहाँ पर खिंचाव नहीं आना चाहिए। फिर से धागा लेंगे, फिर डालेंगे, फिर से इसे इस तरह से इतना लंबा खींच देंगे। फिर धागा लेंगे, फिर डालेंगे, फिर से इतना लंबा खींच लेंगे। 3 बार हो गया, हमें इसे 4 बार लेना है। फिर धागा लेंगे, फिर डालेंगे, फिर इसे हम इतना लंबा खींच दें, इस तरह से हमारा 4 बार ही हमने ले लिया। अब इसके बाद ऊपर धागा लेंगे और इन सभी में से निकाल देंगे ऐसे, और फिर एक चैन बना देंगे। और ये हमारी इस तरह से हमारी पहली स्टिच बन जाएगी। अब इसके बाद हम ये जो हमारी पफ स्टिच आप देखेंगे जिस चैन पर है, इसके बाद हम एक दो चैन छोड़ेंगे। तीसरी चैन पर हम यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से ऊपर धागा लेंगे और इसके पिछली चैन पर फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। 4 बार डालते हुए चैन में डालेंगे यहाँ पर, और इसे इतना इस तरह से इतना लंबा हम खींचेंगे ऐसे। फिर से धागा लेंगे, फिर डालेंगे, इसे इतना लंबा यहाँ तक खींचेंगे, फिर से लेंगे, डालेंगे, और फिर इसे इस तरह से 3 बार, और फिर से 4 बार, ऐसे हो गया। और फिर धागा लेकर इन सभी में से हम निकाल देंगे और फिर एक चैन बना देंगे इस तरह से। फिर से पफ स्टिच हमारी जिस चैन पर है, इसके बाद हम एक दो चैन छोड़ेंगे और तीसरी चैन पर देखेंगे आप पफ स्टिच से पहले के बाद एक डबल क्रोशिया वाली चैन है, और फिर एक चैन और छोड़ेंगे, और फिर तीसरी चैन पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरी लाइन को बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से पिछली चैन पर डबल क्रोशिया से पिछली चैन पर बनाएंगे हम पफ स्टिच 1 बार। इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे, और एंड में हमारे यहाँ पर 2 चैन बचेंगी, 1, 2। ये चैन जो है हमारी, ये पफ स्टिच के बाद 1, 2 चैन छोड़ेंगे, और जो तीसरी चैन है यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये हमारी पहली लाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम अगली लाइन में यहाँ पर हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन बनाएंगे, इसे घुमाएंगे इधर इस तरह से। अब आप देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट स्टिच है, जब आप इसको इस तरह से चौड़ाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीच में एक चैन है इस
तरह से यहाँ पर एक ये चैन है और एक ये पीछे ये होल है डबल क्रोशिया और इस पफ स्टिच के बीच में। तो हम सबसे पहले ये जो चैन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और ये जो होल है ये पफ स्टिच और डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसे खींच के एक बार, दो, तीन, और ये चार, इस तरह से लेकर इन सब में से निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमारी स्टिच इस तरह से आएगी। देखेंगे आप पहली लाइन में हमारी इधर थी, अब ये इधर जा रहा है। अब इस तरह से ही हम इसमें फिर से, अब ये जो अगली हमारी जो स्टिच है दो, इनके बीच की जो चैन है यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से, और इसके बाद ये जो पफ स्टिच और डबल क्रोशिया के बीच का जो होल है यहाँ पर हम बनाएंगे पफ स्टिच इस तरह से, एक, दो, तीन और चार, इस तरह से हमने ले लिया। अब इन सब में से निकाल कर एक चैन बना देंगे। ये हमारी दूसरी लाइन में डिज़ाइन इस तरह से ये जा रही है। अब इसी तरह से हम इसको पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर से ये जो चैन है यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर एक पफ स्टिच, दो, तीन, चार, इस तरह से ही ये हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे ही एंड में हम यहाँ पर चैन पर यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर पीछे यहाँ से बनाएंगे एक पफ स्टिच, तीन और ये चार, इस तरह से फिर एक चैन। तो ये हमारी इस तरह से पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। अब इसके बाद फिर से इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है यहाँ पर। ये अब फिर से चार चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार चैन बनाकर फिर से इसी तरह से इनके बीच में जो चैन है यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर बनाएंगे एक पफ स्टिच। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पैटर्न को दोहराते जाना है। अगर आप इसे मल्टी कलर में बनाना चाहें, जैसे हम एक कलर में बना रहे हैं, एक कलर में बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। अगर आप इसे मल्टी कलर में बनाना चाहें तो एक कलर से तो आप ये इस तरह से ये जो दो लाइन है, जैसे येलो कलर हमने दो लाइन येलो कलर से बना दी, और फिर यहाँ पर ये जो हमने चैन बनाई है चार, यहीं पर हम दूसरे रंग का धागा लगा लेंगे और फिर हम ये दो लाइन दूसरे कलर से बनाएंगे। इसमें जो हमें कलर यूज़ करते हैं मल्टी कलर में भी, उसमें दो दो लाइंस के सेट में हम कलर बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे ये जो डिज़ाइन आ रही है आपको दिख रहा है ये एक कलर में ये डिज़ाइन आपकी कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से हम इसे बनाते जाएंगे।